अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम नया लेस का डिज़ाइन बनाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने टू टाइप्स के थ्रेड लिए हैं, एक सिल्की थ्रेड की लेयर लूँगी और एक कॉटन थ्रेड की लेयर लूँगी। इन दोनों को मिक्स एंड मैच करके हम अपना आज का डिज़ाइन बनाएंगे। आज का डिज़ाइन बहुत ही ईजी है, जिसमें हमें बेसरो भी नहीं बनानी है और ईजीली हम फर्स्ट टाइम ही इसको कम्प्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्लिप नॉट ले लेंगे अपने दोनों थ्रेड्स को ज्वाइन करते हुए कुछ इस तरह से। आप भी अगर सिल्की थ्रेड को कॉटन के साथ ज्वाइन करके डिज़ाइन बनाएं तो बहुत ही खूबसूरत बनता है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। काइंडली जिन लोगों ने अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए, थैंक यू। सबसे पहले हमने स्लिप नॉट ले लिया है अपने थ्रेड पर कुछ इस तरह से। स्लिप नॉट लेने के बाद हम इसको अटैच कर देंगे अपने फैब्रिक पे, जहाँ पे भी आपने डिज़ाइन बनाना है, अपने दुपट्टे के पल्लू पे, फ्रॉक पे, दामन पे, कहीं पे भी स्लिप सिंगल क्रोशे की हेल्प से हमने इसको अटैच कर देना है कुछ इस तरह से। और इसके साथ ही हमने टू चेन लेनी है। टू चेन हमें डबल क्रोशे की काउंटिंग दे रही है, तो हमने यहाँ पे फर्स्ट पे डबल क्रोशे ही बनाना है और हमें फर्स्ट स्टेप में फोर टाइम्स डबल क्रोशे बनाने हैं। और अगर आप फर्स्ट में इजीली डबल क्रोशे बना लेते हैं तो फिर आप डबल क्रोशे बनाएं, बट ये बिगनर्स के लिए है। सिंगल क्रोशे प्लस टू चेन और साथ में हम थ्री टाइम्स डबल क्रोशे बना लेंगे तो ये हमारे पास फोर डबल क्रोशे बन जाएंगे। टू डबल क्रोशे एंड थ्री, यहाँ पे हमें टोटल फोर डबल क्रोशे चाहिए कुछ इस तरह से। इस तरह से ये हमारे पास फोर डबल क्रोशे की काउंटिंग कंप्लीट हो जाती है। और फिर हम क्या करेंगे, जब हम फोर्थ वाला डबल क्रोशे कंप्लीट कर लेंगे तो उसके एज पे हम थ्री चेन का पीकॉट बनाएंगे। थ्री चेन पीकॉट कहाँ बनाएंगे, यहाँ पे ये जो लूप्स होते हैं डबल क्रोशे के एज पे, टू टाइम जो लूप नज़र आ रहा है उसमें हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। इसी के ऊपर एक दफ़ा फिर से बनाएंगे थ्री चेन और ये पीछे वाले पीकॉट के टू लूप्स में से हम इसको सिंगल क्रोशे कर लेंगे और एक बार फिर से बनाएंगे थ्री चेन और उससे पीछे वाले जो हमने बनाया था पीकॉट उसमें से हम इसको सिंगल क्रोशे कर लेंगे। फोर टाइम हमें ये बनाना है, फोर पीकॉट्स बनाने हैं हमने और फिर हमने इसको अटैच करना है कुछ इस तरह से। फोर पीकॉट्स बन गए हमें बिल्कुल एक रो में और डबल क्रोशे का बल लेना है और इस डबल क्रोशे को हमने यहाँ पे डबल क्रोशे करना है। ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशे है इसके एज पे हमने यहाँ पे इसको डबल क्रोशे करते हुए इसको इस तरह से कंप्लीट करना है कुछ इस तरह से। और फिर क्या करना है, हमने इसके जितना इसका डिस्टेंस बनता है उतने ही डिस्टेंस पे हमने डबल क्रोशे बनानी है फोर टाइम। कुछ इस तरह से ये वाला फ्लावर हमारा कुछ सेंटर में इस तरह से बनेगा फोर पी कॉर्ड्स के साथ। और फिर नेक्स्ट हमने फोर टाइम्स डबल क्रोशे बनाने हैं, जो कि एवरी फ्लावर्स के सेंटर में हम बनाएंगे फोर डबल क्रोशे। ये हमारा डिस्टेंस है, आप इस डिस्टेंस को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, फोर डबल क्रोशे की बजाय टू भी कर सकते हैं और फोर डबल क्रोशे की बजाय फाइव भी कर सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगता है। फिर से हमने फोर डबल क्रोशे कंप्लीट कर लिया और फोर डबल क्रोशे, फोर्थ वाला जो डबल क्रोशे है उसके एज पे हम फोर टाइम पीकॉट बनाएंगे थ्री चेन के साथ, वन टू थ्री चेन। इसको हम क्या करेंगे, इस डबल क्रोशे के एज पे जो टू लूप्स नज़र आती हैं हमारी उसमें हम इसको सिंगल क्रोशे कर लेंगे। ये हमारा वन टाइम पीकॉट बन जाएगा। एक बार फिर से हम इसी तरह से थ्री चेन बनाएंगे और हम इसके एज पे पीछे वाले पीकॉट पे इसको सिंगल क्रोशे करेंगे। थ्री चेन ले लिया हमने और फिर हम इसको क्या करेंगे, पीछे वाला जो पीकॉट है उसमें हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे इजीली। इसी तरह से हमने फोर टाइम यहाँ पे पीकॉट्स बनाने हैं, पीछे वाले पीकॉट में सिंगल क्रोशे करते जाएंगे तो ये हमारे पास एक रो में फोर पीकॉट्स बन जाएंगे। और फिर इनको फोल्ड करते हुए यहाँ पे डबल क्रोशे ले लेना है और इनको फोल्ड करते हुए इधर से डबल क्रोशे को हमने स्टिच करना है और डबल क्रोशे कंप्लीट करके जितना डबल क्रोशे का डिस्टेंस है या जितना हमने फर्स्ट वाले के सेंटर में लिया था इतना ही डिस्टेंस हमने नेक्स्ट भी लेना है। डिस्टेंस आपने सेम ही रखना है, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए वरना हमारा डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। फिर से हम फोर टाइम डबल क्रोशे बनाएंगे और एक बार फिर से फ्लावर बनाएंगे ताकि आपको ठीक से समझ में आए। टू डबल क्रोशे, थ्री डबल क्रोशे एंड फोर, ये हमारे पास फोर डबल क्रोशे हो जाता है। तो फिर हम फोर्थ वाले डबल क्रोशे के एज पे
कुछ इस तरह से हम अपना फ्लावर बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको डिस्टेंस ज़्यादा रखना है, फ्लावर दूर दूर बनाना है, तो आप 4 की बजाय 5, 6, 7 जितने भी आपने डिस्टेंस रखना है उतने डबल क्रोशे बना सकते हैं। तो ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशे होगा, हम इसके एज पे 4 टाइम पीकॉट बनाएंगे, 1, 2 एंड 3 चेन प्लस सिंगल क्रोशे, कुछ इस तरह से 1, 2 एंड 3 चेन, फिर पीछे वाले पीकॉट में से हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे, 1, 2 एंड 3 पीकॉट बना लिया इसका, और एक बार फिर से बनाएंगे, 4th पीकॉट हो जाएंगे हमारे पास इस तरह से कुछ। और फिर लास्ट पे हम इसको कैसे अटैच करेंगे, ये डबल क्रोशे का बल ले लेंगे, और ये जो हमारा लास्ट वाला डबल क्रोशे था इसमें हमने इसके एज पे इसको डबल क्रोशे इस तरह से कर देंगे, और ये हमारा फ्लावर फोल्ड हो जाएगा और फिर फ्लावर की शेप में आ जाएगा। फिर से हम 4 टाइम डबल क्रोशे बनाएंगे और फिर से हम अपना पैटर्न रिपीट करेंगे। बिल्कुल सेम इसी तरह से हमने पैटर्न को रिपीट करना है, बहुत ही इजी है, इसमें किसी किस्म की कोई नई चीज़ नहीं है, वही स्टिचेज हैं, चेन प्लस डबल क्रोशे के साथ हमने इसको कंप्लीट कर लेना है। मैं आपको थोड़ी सी लेंथ बना के शो करती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारा डिज़ाइन बनने के बाद कैसा नज़र आता है। आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, हमने थोड़ी सी इसकी लेंथ बनाई है और इसकी फाइनल लुक कुछ इस तरह से नज़र आती है। बहुत ही खूबसूरत लगता है हमारा ये वाला डिज़ाइन, और अच्छी बात यह है कि ये बहुत ही इजी है और जल्दी बन जाता है। मेरी बिगिनर फेलोअर्स भी इसको इजीली फर्स्ट टाइम में ही बना सकती हैं। इसमें हमें बेसिकली बेस रो तो नहीं बनानी है, बट अगर आप बिगनर्स हैं, आपको डिस्टेंस लेने में कोई मुश्किल होती है, तो आप पहले सिंगल क्रोशे प्लस 1 चेन, सिंगल क्रोशे प्लस 2 चेन के साथ अपनी बेस रो बना सकते हैं। इसी तरह से इसको रिपीट करते हुए हम अपनी लेंथ को कंप्लीट कर लेंगे। कुछ इस तरह से इसकी लुक देख सकते हैं आप। इस खूबसूरत डिज़ाइन से अपनी बच्चियों के फ्रॉक को, अपने दुपट्टे के पल्लू को, अपने आउटफिट को खूबसूरत बना सकते हैं। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया है और समझ भी आया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी किसी नई डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।